Subscribe now for all the latest and trending updates. कॉमेडियन कपिल शर्मा ने लॉकडाउन में अपनी जनता का मनोरंजन करने का आइडिया ढूंढ निकाला है। दरअसल वो घर से अपने कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो की शूटिंग करने जा रहे हैं। जानकारी देना चाहेंगे आप सभी को कि कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री पर भी ताला लग गया है। ऐसे में कपिल ने घर से ही नए एपिसोड की शूटिंग करने का फैसला कर लिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स की मानी जाए तो शो प्रोड्यूसर बिना लाइव ऑडियंस के इस शो को दोबारा शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कपिल शर्मा अपने घर में ही नए एपिसोड्स की शूटिंग करते हुए नजर आए। वैसे ऐसा होना संभव भी है, क्योंकि कोरोना के कहर के चलते अमेरिका के बड़े बड़े टॉक शो होस्ट जैसे जिमी फैलन, जिमी किमल और एनल डीजेनरेस ने बिना ऑडियंस के शो शूट किया है। खैर, यहाँ तक कि वो लोग अपने एपिसोड को अपने घर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कपिल भी कोरोना को हराने का यही तरीका आजमा सकते हैं। लॉकडाउन को आशीर्वाद मानते हुए कपिल ने कहा है कि ये लॉकडाउन उनके लिए किसी आशीर्वाद जैसा है। इसकी वजह से उन्हें अपने परिवार के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताने का समय मिल रहा है, साथ ही उन्हें अपनी बेटी अनायरा संग खेलने का मौका भी मिल रहा है। एक इंटरव्यू में कपिल ने कहा था कि मैंने गिन्नी से कहा था कि लॉकडाउन को किसी आशीर्वाद की तरह नहीं, क्योंकि इसकी वजह से हमें ढंग से वर्कआउट करने को मिलेगा, लेकिन अब चौथा दिन हो गए हैं और मैंने एक भी दिन वर्कआउट नहीं किया। सारा दिन बेबी के साथ खेलता रहता हूं और खाता रहता हूं। हालांकि मैंने फैसला किया है कि मैं अपने रूटीन में वापस जाऊंगा। मेरा बर्थडे का रेजोल्यूशन था कि मुझे रोज़ गंभीरता से वर्कआउट करना है। खैर, अब देखते हैं कि फाइनली कपिल शर्मा शो कैसे लौट कर आता है। आपका क्या रिएक्शन इन सब पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जरूरी हमारे चैनल इंटरनेट न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।